दरियावाद पंचायत समिति में 11वें प्रधान पद पर हकरी देवी मीणा को 17 में से 11 मत प्राप्त हुए और कांग्रेस को बीजेपी निर्दलीय समर्थन के साथ 6 मत मिले। रिटर्निंग अधिकारी करतार सिंह ने विजय प्रत्याशी को शपथ दिलाते हुए विजयश्री का प्रमाण पत्र सुपुर्द किया। दरियावाद में कांग्रेस की 5, भाजपा के 11 और निर्दलीय के 1 उम्मीदवार ने मतदान किया। इस प्रकार दरियावाद पंचायत समिति में लगातार 6ठी बार भाजपा का कमल खिला है। घोषणा के पश्चात मतगणना केंद्र के बाहर भारी तादाद में कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छा गई। पुलिस उप अधीक्षक अरविंद विश्नोई, MCI भगवान लाल मेघवाल सहित पुलिस जाब्ते ने बड़ी मुस्तैदी के साथ शांतिपूर्वक मतदान करवाया। यातायात व्यवस्था में भी काफी बदलाव किया गया। पंचायत समिति के बाहर मुख्य मार्ग के दोनों ओर बैरिकेटिंग लगाकर यातायात को बाईपास दिया गया। वहीं ग्रामीणों की भीड़ बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होकर उक्त नजारा देख रहे थे। भाजपा की जीत के पश्चात कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर आतिशबाजी कर खुशी जाहिर कर भव्य नारेबाजी करने लगे। इस पर पुलिस ने तत्काल प्रभाव से उन्हें रोक दिया, जिसे जुलूस का रूप नहीं ले पाया। कल शुक्रवार को प्रधान पद पर भाजपा की रागिनी चौधरी बनना तय होने जा रहा है। थोड़ा तो ऊपर देखो, मुस्कुराओ थोड़ा बस। अब तो आपके विजय श्री हासिल किए आपने। दरियावाद में भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बनना है। मैंने पहले भी कहा था आपको कि 5 बार पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रधान दरियावाद में बैठा और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा। और कार्यकर्ताओं ने की मेहनत और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहा है और 11 पंचायत समिति के सदस्य जीते हैं और 3 जिला परिषद के सदस्य जीते हैं। पहले भी 3 जिला परिषद जीते थे और प्रधान बैठा था और आज भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बैठा है। दरियावाद की जनता का बहुत बहुत आभार और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। सभी जनता का भी बहुत बहुत आभार। प्रधान को हकरी देवी को बनाया है। दावेदार तो थे दो, पर लेकिन सब आपस में समझाइश करके फिर हकरी देवी को दरियावाद का प्रधान बनाया। पंचायत समिति का पूरा विकास करूंगी और नरेगा में विकास करूंगी। जो भी आगे से नियम में आएंगे वो सब मैं विकास करूंगी। दरियावाद में पूरी तहसील में भाई बहुत जो मुझे विजय बनाए उनको सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।